नीट 2023 का रिजल्ट आने के बाद सबको वेट था काउंसलिंग का, पर मुझे नहीं पता था कि काउंसलिंग में मेरे साथ ये सब होने वाला है। तो एडमिशन जर्नी स्टार्ट होती है एमसीसी के नोटिस से कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो मैं सबसे पहले AIQ का रजिस्ट्रेशन करने लग गई, फिर AIQ के कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भरी, तो मैंने कॉलेजेस सारे भर दिए थे ऑल इंडिया के भी, बट मुझे थोड़े और कॉलेजेस भरने थे। कुछ पता नहीं वेबसाइट का कुछ इशू है, वहाँ पे ना सर्च करने पे मतलब वो सर्च बार नहीं आ रहा, जो पहले सर्च बार आ रहा था वो सर्च बार आ ही नहीं रहा। ढूंढ के भी क्लिक करते हैं तो भी वो आता नहीं है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि बॉयज़ के में भी लाइक लेडी हार्डिंग आ रहा है, तो मतलब कुछ वेबसाइट का कुछ इशू है, पता नहीं वो कब ठीक होगा। तो इस टेक्निकल एरर और मेरी रैंक को देखते हुए मैंने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट उतनी ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता था कि राउंड वन में मुझे अच्छा कॉलेज तो दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। आई डोंट थिंक सो मेरा नाम आया होगा, क्योंकि मैंने इतने कॉलेजेस भरे ही नहीं थे, बट लेट्स सी। 13,000 एंड सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, राउंड वन में AIQ से मुझे कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। तो ये था मेरा AIQ से राउंड वन का एक्सपीरियंस। तो मेरी सारी उम्मीदें हरियाणा की काउंसलिंग के राउंड वन पे आ चुकी थी। 26 जुलाई को स्टार्ट होती है हरियाणा की राउंड वन की काउंसलिंग। तो सेम वही, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन किया और कॉलेज कुछ प्रेफरेंस लिस्ट भरी। डन। फाइनली आता है हरियाणा काउंसलिंग का रिजल्ट एंड हरियाणा की लिस्ट आ गई है राउंड वन की प्रोविजनल लिस्ट। तो अभी देखती हूँ। 31 कुछ मिला है? मिला तो होगा। मिला तो होगा यार। निकिता ये रहा यार। मेरे को मिला है मेवात का कॉलेज। खानपुर भी नहीं मिला यार इस बार। तो कल्पना चावला मिलना तो मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खानपुर मिल सकता है, विच आई डोंट वॉन्ट। सो हेयर इज़ माई नेम। आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं। तो मुझे राउंड वन में अलॉट हुआ शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर मेवात। तो आज है 6 अगस्त और आज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। इसे क्या पता था कि इसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। उसके बाद सब इतना केओटिक हो गया कि मैं कुछ ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो मैं आराम से बैठ के आपको सब बात बताती हूँ। ओके जी, एडमिशन तो हो गए और 6 डेट को गए थे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। और मतलब वहाँ पे भीड़ तो बहुत थी, मतलब एक एक बंदा, मैं तो पापा के साथ ही गई थी, एक एक बंदा चार चार बंदे को लेके आ रहा। और इतनी गर्मी वहाँ, मतलब सीट ना तो कुर्सी बैठने के लिए, मतलब जो पहले आ गए वो बैठ गए उन कुर्सियों पे, कुर्सी मिलने नहीं वाली। फिर उसके बाद सबसे पहले SC वालों को बुलाया, फिर SCD वालों को बुलाया, उसके बाद जनरल को बुलाया।
तो हम 11:30 बजे के आसपास अंदर गए। उसके बाद उस हॉल में गए जो इतना बड़ा हॉल था, ना वहाँ कोई खिड़की और एसी तो लगे हुए बहुत सारे, बट मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन थी उधर। और बहुत देर तक वहाँ हम बैठे रहे, काम वगैरह हुआ भाई, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, सबसे पहले उनके जो शायद उनके जो स्टाफ मेंबर होते हैं पहले वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद जो डीन वगैरह होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं, वहाँ साइन वगैरह करवाते हैं। तो वो सब करवाया, उसमें बच गए। हाँ, और मैं लिटरली, मेरी किस्मत इतनी ख़राब, हम जो है लाइन में लगे हुए कि हमारा नेक्स्ट नंबर है, और तभी वो बोले कि बेटा अभी आप लाइन में लगो और 1 घंटे का भी ब्रेक है, पर आपको यहीं खड़े रहना है। यार थोड़ी दया कर लो, 1 घंटे का ब्रेक है, हम आधे घंटे में खा पी के कुछ आ जाएंगे, पर नहीं, बस उधर ही खड़े रहो। मतलब एक बारी तो उन्होंने बोला कि चले जाओ, फिर भाई बस तभी 5 मिनट के अंदर ही बोलते कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। फिर उसके बाद मेवात में क्योंकि वॉयलेंस चल रही है, इसलिए वो एडमिशन वाले लोग जो हैं वो उधर ही आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के उसके बाद आप हमारे पास आओ डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाने। तो भाई 5 बजे के बाद, नहीं 5 तो नहीं, 4 बजे के आसपास हमारी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हुई। फिर हम ऊपर गए दोबारा से, और फिर उधर डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, फिर वो बोले हमारे सर आएंगे वो साइन करेंगे, फिर वो सब कराया। उतने में फिर हम बहुत लेट आए, मेरे में हिम्मत भी नहीं बची थी बात भी करने की उस टाइम पे। फिर हम आए, उसके बाद मैं सो गई। फिर अगले दिन फिर जाना था, जो बॉन्ड वगैरह है वो बनवाने, बॉन्ड बनवाया, एक वो एंटी रैगिंग वगैरह लेते हैं वो सब बनवाया। मतलब सबसे पहले हम गए कोर्ट, उसमें सबसे पहले हमने वो बनवाए, जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो रेडी करवाए। उसके बाद हम गए फिर से कॉलेज, उसके बाद कॉलेज में जाके उनके जो कोई सर वगैरह थे उन्होंने उस पर साइन किया। उसके बाद हम गए बैंक, फिर बैंक का काम करवा के फिर से वापस आए उन सर के पास, फिर उन्होंने पता नहीं डॉक्यूमेंट लिए क्या किए। फिर उसके बाद हम फिर गए तहसील ऑफिस में, फिर वो ना आए, फिर वो आए, फिर वो बोले कि ना आपको इस पे किसी और के साइन कराने हैं, फिर वहाँ साइन करवाने गए, फिर वापस आए, फिर तहसील से साइन करवाए, फिर दोबारा कॉलेज में गए। और इतने में वहाँ पे ओपीडी होती है 8-9 बजे से 2-3 बजे तक, तो इतने में 3 तो बजी गए थे। फिर उसके बाद बोले कि ना आप मेडिकल करा के आओ, मेडिकल कराने जाएं, वो डॉक्टर ही चले गए हैं। भाई अब हम इसमें हमारी क्या गलती, डॉक्टर चले गए तो, और वो बोल रहे कि अब तो हम तो ना मेवात वाले कि हम तो 8 तारीख तक है। फिर वो बोले कि हमारी टीम तो यहाँ 7 तारीख तक ही है, उसके बाद 8 को आना है, तो आप मेवात ही आना अपना मेडिकल करवाने। मैं कहा यार ये क्या बात होती है। तो फिर सभी पेरेंट्स ने वो कर दिया, हल्ला कर दिया, और वहां पे बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, बोले मेवात वालों ने दंगा कर दिया। मैं कहा हम कहाँ से मेवात वाले हो गए। फिर उसके बाद जो है, फिर उनको हमने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप या तो डॉक्टर को बोलो, आप मतलब आप वहां जाके बोलो, वहां जाके बात करो, या तो या आप कल दोबारा यहीं आओ। तो बोलते कि उनमें से कि भाई एक हमारा मेंबर यहाँ पे आ जाएगा, आप उनको दे देना। तो फिर आज हम दोबारा गए। हेलो जी, आई एम बैक। इट्स 7th of August और आज हमें फिर से रोहतक ही जाना। तो अभी पापा जो है वो प्रिंट वगैरह करने गए हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। और कल यार जो बैंड बजी है, मेरी लिटरली खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। अभी भी माई होल बॉडी इज एकिंग, अभी भी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। बट चलो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ सहना पड़ता है। ये मैंने नया कोट बनाया है, एडमिशन पाने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। उसके बाद अब एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, एडमिशन तो ले लिया अभी मेवात में। वैसे तो मेरा मतलब खानपुर में नेक्स्ट राउंड में मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा। आई डोंट हैव अनदर चॉइस, क्योंकि मेरे घर से खानपुर पास में है, बस दैट्स द ओनली रीज़न कि खानपुर ले रहा हूँ एडमिशन। मतलब
अपग्रेड हो जाएगा तो। और मैं बाकी पूछ के आया था तो उन्होंने कहा था कि अभी अगर अपग्रेड हो गया, अगर मेरे को पता होता ना यार इतना काम करेंगे तो मैं डायरेक्ट सेकंड राउंड में लेता। मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा, मतलब यार मैं इतना थक चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये साइड आई डोंट थिंक सो कोई दिखाता है, ये जो मतलब काउंसलिंग वगैरह की है और कितना ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है और मतलब कितना घुमा, मतलब कितना घुमाते हैं भाई, अब यहाँ जाओ, अब उधर जाओ, अब उधर जाओ, मतलब पैर ना लिटरली मुझे लगता है यार मेरे पैर अब बस जवाब दे चुके हैं, बस मैं खड़ा हूँ और अगर मुझे कोई कुछ बोल देगा ना तो मैं वहीं रोने लग जाऊँगा, मतलब ऐसा हाल हो जाता है। और शायद मेडिकल, शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद दोबारा नहीं होएगा और मेडिकल शायद दोबारा नहीं होएगा। एक बार मैं वहाँ जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से लेके आने पड़ेंगे, फिर खानपुर में अगर अपग्रेड हो गया तो उधर डॉक्यूमेंट्स जमा करा के आने हैं, बॉन्ड दोबारा बनवा के आना है। दोबारा से शायद मेरे ख्याल से दो दिन का काम होएगा, एक दिन डॉक्यूमेंट लेके आने का और एक दिन जमा करा के आने का खानपुर। सोया लेट्स सी आगे क्या होता है। चलो मेरी बकवास तो चलती रहने वाली है। ऑल इन ऑल राउंड वन में मैंने एडमिशन ले लिया है और अब देखते हैं राउंड टू में कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।